2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा इम्तिहान होना है वो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर होना है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव। और इस चुनाव का जिम्मा है योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह के कंधों पर, एक मुख्यमंत्री और एक पार्टी के प्रमुख। स्वाभाविक है, बड़ी जिम्मेदारी है स्वतंत्र देव सिंह के कंधों पर, और खासतौर पर तब जब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मायावती की पार्टी हो, सारे राजनीतिक दल अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व की निरंतरता के लिए इस बार सारा जोर लगा रहे हैं, तब ये रण और विकट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मैदान में जाना चाहती है, भाजपा की रणनीति क्या है, समर नीति क्या है, ये तमाम सवाल हैं। अयोध्या की भूमिका क्या होगी चुनाव में, जिन पर देश और प्रदेश उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को सुनना चाहता है। आज हमारे साथ खुद स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानित अमिताभ अग्निहोत्री जी, जी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपको भी, आपको और भी, पूरे आप मीडिया परिवार को और सभी परिवार को जी। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता जी। स्वतंत्र जी, हाँ, जी जी हाँ हाँ भाई, मैं जो आपने जो आप इसे उठाया कि मुद्दा क्या है, रणनीति क्या है जी, राज्य के अंदर 15-20 सालों में पहली बार कानून का राज, और जहां कानून का राज होता है वहां शांति होती है, और जहां शांति होती है वहां विकास होता है। आज पहली बार राज्य के अंदर एक कानून, जो भारतीय जनता पार्टी जिस समय चुनाव 2017 में लड़ी थी भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडागर्दी मुक्त, इसके आधार पर हम चुनाव लड़े थे। आप मेरठ से लेकर और गाजीपुर से गाजियाबाद तक, बलिया से लेकर बरेली तक, आपने यहाँ की स्थिति देखा है। आप प्रदेश के जन जन से परिचित हैं, आप प्रदेश के गांव गांव से परिचित हैं। शहर की महिलाएं अपने बच्चे के इंतजार करते करते 5 बजे दरवाजा बंद कर देती कि चाहे 5 बज गया दरवाजा बंद कर दो, पता नहीं क्या हो जाए और कहां से लोग निकलेंगे और कैसे बेटियों को उठा जाएंगे, लड़कों को उठा ले जाएंगे और क्या करेंगे, इस प्रकार का राज्य की व्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश योगी राज के शासन में, योगी जी के शासन में, योगी सरकार के शासन में पहली बार मैं भी 15-20 सालों से, माननीय कल्याण सिंह का 91 वाला 90-91 की सरकार को छोड़ दीजिए, उसके बाद आज उत्तर प्रदेश में किसी गुंडे की या किसी बदमाश की हैसियत नहीं है कि वह शहरों में किसी लड़की को आज छेड़े, और कोई लड़की भी या 12 बजे रात को भी रेस्टोरेंट से भोजन करके घर आ सकती है। अब माँ इंतजार नहीं करती, माँ पहले इंतजार खेत पर कोई पानी देने जाता था किसान, तो उसकी पत्नी और माँ इंतजार करती थी वो लौटेंगे नहीं लौटेंगे। लेकिन आज मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी, मैं कह सकता हूँ इस राज्य के अंदर कानून का शासन है और सब लोग खुशहाली से रह रहे हैं और शांति के साथ रह रहे हैं, टेंशन मुक्त हैं। दूसरा बिंदु, जो भ्रष्टाचार की बात हुई थी और जातिवाद इस राज्य में बहुत था, 5 लाख की नियुक्तियां हुई, आपने देखा होगा पहली बार पाल, कश्यप, बिंद, मल्ला, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, इस प्रकार के बैकवर्ड भी जो राजनीति से दूर रहते थे, आज भी इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग नौकरी पाए हैं और अध्यापन हर एक में नौकरी, रोज इनको नौकरी मिल रहा है। और एक व्यक्ति भी लखनऊ के अंदर होटल में रुककर न भ्रष्टाचार कर रहा है, न जातिवाद की बात कर रहा है, एक व्यक्ति भी नहीं कर रहा।
पहले झोला लेकर लोग बैठते थे, सपा शासन आप देखे हैं, होटलों में झोला लेकर बैठते थे और सैफे की सूची आती थी और जिनकी नियुक्तियां होनी थी बेचारों का, जो उसके कैटेगरी के लिए आते थे वह समाप्त हो जाता था और लूट लेते थे। तो आज आम जनता आदरणीय देश के अंदर मोदी जी को, राज्य के अंदर योगी जी को स्वीकार और अपनत्व की भावना के रूप में देखती है। मेरे परिवार के माननीय मोदी जी योगी जी हैं और जनता स्वीकार करती है और यह भ्रष्टाचार और मुक्त और कानून का आज राज है और कानून का राज होना अति आवश्यक है। इसलिए ये बहुत इसी कारण आज राज्य के अंदर खुशहाली है और एक अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल राज्य में है। स्वतंत्र देव जी, एक सवाल खड़ा होता है, जो आपके प्रमुख विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी, उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई 350 तो पक्की है, 400 भी जीत सकते हैं और कुल सीटें हैं 403, तो फिर बाकी कहां जाएंगे? आप बताइए बड़े भाई, आप बताओ मेरे को, ये जीत कर क्या करेंगे? क्या जिन्ना की स्टेचू लगाएंगे क्या, जो देश का बंटवारा करते हैं और देश के बंटवारा का नींव रखा जिन्ना ने, आज उसको सरदार पटेल से तुलना आप करते हैं, आप किस विचारधारा पर इस राज्य को लेना लेकर जाना चाहते हैं? जो भारत माता को डाइन कहेगा उसको आप सम्मान देंगे? जो स्वतंत्रता सेनानियों ने गले में फांसी का फंदा चूम के स्वीकार किया, ये भारत माता की जय वंदे मातरम के लिए और भारत माँ की आरती के लिए, जो स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था कि उच्च स्थान पर मेरी बाप माँ बैठे और पूरी दुनिया को दिशा दे, और एक त्याग की भावना राज्य रहा है और उस त्याग के बदौलत कोई नेतृत्व करता है, कोई राजनीतिक दल, तो आनंद भी आता है। आप इतना स्तर गिरा देंगे मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण, वोट बैंक के आधार पर आप राजनीति करेंगे और जातिवाद और क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद, परिवारवाद वह भी छोड़ दो, एक गोत्रवाद के राजनीति पर करेंगे वह भी छोड़ दो, एक सफाई खानदान पर राजनीति होगा क्या? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है भाई, आप किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? और मेरा मुद्दा है, हम गरीबों का कल्याण चाहते हैं, हम गरीबों की खुशहाली चाहते हैं, हम गरीबों को पक्का, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज सभी को पक्का मकान मिल रहा है, आज शौचालय मिल रहा है, आयुष्मान का कार्ड मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो देश का समन, इस देश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, इस राज्य के अंदर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, काशी विश्वनाथ और यहाँ स्थान, यहाँ कई कई प्रधानमंत्रियों ने यहां से उत्तर प्रदेश से बने हैं, इस उत्तर प्रदेश से देश का पहचान क्या है? हमारी गंगा है, सब नदियां हैं, हमारे तीर्थ हैं। तो आदरणीय मोदी जी एहसास करवाते हैं कि भारत का चरित्र क्या है, भारत की सभ्यता क्या है, तब वो पशुपतिनाथ से बाहर निकलते हैं। तो बड़ा बड़ा चंदन यानी त्रिकुट का चंदन और गले में कंठी वाला, यह है मेरा भारत, ये मेरे तपस्वी लोगों का भारत है, ये ऋषि मुनियों का भारत है, ये ऋषि मुनियों ने देश को बनाया, कोई नेताओं ने थोड़े देश को बनाया, बहुत तपस्वी लोगों ने इस राज्य को, देश को बनाया है। आप इस राष्ट्र को बांटना चाहते हैं, आप मुस्लिम हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम हिंदू दोनों मिलकर अपने धर्म की बात करें, अपने अपने धर्म, लेकिन दोनों मिलकर भारत माता की जय तो बोलना पड़ेगा ना, इस राष्ट्र का निर्माण दोनों मिलकर करेंगे। स्वतंत्र भाई, अब तो सब अयोध्या जा रहे हैं, हाँ, तो सब लोग अयोध्या जा रहे हैं, केजरीवाल जी भी जा रहे हैं, वो भी रामलला के मंदिर की प्रतिकृति के साथ दिल्ली में दिवाली पूजन कर रहे हैं। पहले क्या रहता था, ये सब डरते थे, टीका लगाने में, चंदन लगाने में डरते थे और ये मंदिर जाने में डरते थे, इनको टोपी लगाना पसंद आता था, और हम दिल से मुसलमान को भी पक्का मकान देते हैं और हिंदू को भी देते हैं, बोर्ड की राजनीति हम नहीं करते हैं, बोर्ड की राजनीति हम नहीं करते हैं, सभी को शौचालय देते हैं, पक्का मकान देते हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 3 तलाक की बात करते हैं और समान नागरिक संहिता लागू हो उसकी बात करते हैं, 370 धारा हटाए राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए, और आज ये मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। जो बात करते थे, जो लोग बोलते थे आप वाले केजरीवाल, कि राम मंदिर के स्थान पर या अस्पताल बना दिया जाए, शौचालय बना दिया जाए, आज वो राम मंदिर, आज हनुमान जी के चरणों में बैठे हुए, एकाग गदा, मतलब उनके चरण और हनुमान जी को लोग जानते नहीं, मतलब अति कर दिया है आप लोगों ने, मतलब इतना इतना बेकार टाइप की राजनीति, इतने झूठ फरेब की राजनीति सब लोग करते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कोई जिन्ना की बात करता है, कोई मंदिर जगह शौचालय बनाने की बात करता है, कोई अस्पताल बनाने की बात करता है, भाई आज राज्य के अंदर 59-75 जिलों में अस्पताल बनने की व्यवस्था है, 59 जिलों में पीपीपी मॉडल और सरकारी, ऐसे 34 जिलों, मतलब हर जगह हॉस्पिटल पार्टी बना रही है,
और मतलब सरकार बना रही है योगी सरकार और आदित्य मोदी सरकार के नेतृत्व में, विकास भी हो रहा है और कानून का राज भी है, गरीब भी खुशहाल है, गरीब की भी चिंता हो रही है और इनकी भी। स्वतंत्र जी, दो आप पर भाजपा पर दो आरोप उसके अपोनेंट्स लगाते हैं, उसकी विपक्षी पार्टियां लगाती हैं। कांग्रेस कहती है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है और सपा कहती है कि ओबीसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है। साठगांठ वाला मामला है। एक कांग्रेस और ओबीसी ये क्या आरोप लगाते हैं और आप जानते हैं अच्छी तरह। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल करेंगे आप तो बसपा भी मजबूत है, सपा भी मजबूत है, ये लोग राजनीतिक दल हैं, लेकिन सपा का कोई विचारधारा नहीं है, जो सपा का कोई विचारधारा नहीं है, कोई नीति भी नहीं है। इनका शासन आने के बाद गुंडागर्दी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कोई राज्य के अंदर न लड़की सुरक्षित है न कोई है। और दूर दूर तक सपना अपने मन से निकाल दें, अब योगी की ही सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और गरीबों की सेवा करेंगे और राज्य को खुशहाली के ले जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और एक बूथ का कार्यकर्ता राज्य और देश का नेतृत्व करता है। स्वतंत्र जी, जैसे आपने सपा के बारे में एक टिप्पणी दी, वैसे ही बसपा को कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव में? बसपा है, बसपा अपने स्थान पर जैसे है, बसपा हमेशा मजबूत रहती है। बसपा मतलब आप हम गलत फहमी में नहीं रहेंगे, मतलब हम ये सभी पार्टियों से हम ठीक ढंग से युद्ध करेंगे, हम किसी को कमजोर नहीं समझते हैं और बसपा भी, बसपा का अपना वोट बैंक है, ताकतवर पार्टी है जी। अच्छा, ओबीसी की एंट्री को, ओबीसी इस बार 100 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, वो घूम भी रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में, भाषण भी दे रहे हैं, एक अपना टेम्पो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी नए नए राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल नए नए बनते हैं तो अपना विस्तार तो करते ही है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टी कितना ताकतवर करते हैं वो अलग विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को और हमारी योगी सरकार जो उनकी ईमानदारी है, भ्रष्टाचार मुक्त है और जातिवाद से परे है, उसके आधार पर पूरी जनता जनमानस ने मन बना लिया है कि ऐसा तपस्वी मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री राज्य के अंदर पहली बार मिला है और अपने पिता के मरने के बाद भी वो नहीं गए और कोरोना जैसे महामारी चुनौती को उन्होंने अवसर में बदलने का काम किया। एक सवाल और उठता है, बीच में आपकी पार्टी के भीतर से और बाहर से दोनों जगह से बहुत सारी अटकलें आती थी, बहुत सारी कानाफूसी होती थी कि भाई किसके नेतृत्व में, चेहरा कौन। अभी जब अमित शाह जी आए तो उन्होंने मंच से घोषणा की कि भाई 22 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी भाजपा। अब वो मसला समाप्त हो गया, माना जाए धुंध समाप्त, कोई ये भ्रम नहीं। देखिए पहले से तय है जी। और आदरणीय योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा, ये पहले से भी तय है और उनकी ईमानदारी, उनकी परिश्रम की पराकाष्ठा और एक तनक उनकी लोकप्रियता और उनके कारण आज राज खुशहाल है। आज गुंडे, बड़े बड़े गुंडे पानी मांग रहे हैं और एक तरह का राज सुरक्षित है और राज्य में के अंदर विकास हो रहा है और सभी आम जनता खुशहाल है और सभी गरीबों का काम हो रहा है। बनटांगिया, मुसहर और थारू जैसे जातियों को भी एक तरह का राजस्व में, इनको राजस्व में कई गांव नहीं आए थे, आदरणीय योगी सरकार आने के बाद राजस्व गांव हुआ, इनको पूरी सुविधाओं का लाभ भी उनको मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास से लेकर सभी आवास इनको मिल रहे हैं, शहर में भी बाहर। सबसे बड़ी बात है आदरणीय समानता गणोत्री जी, सबसे बड़ी बात है कानून का शासन होना चाहिए। देखिए कानून को आप तोड़ नहीं सकते, एक कानून का शासन होना चाहिए, वो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का शासन राज्य के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण शांति है, सुरक्षित। देखिए हमें क्या देते हैं क्या नहीं देते विषय नहीं है, लेकिन हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे ना, 12 बजे रात को घर लौट सके ना, मतलब आप सब कुछ दे दें और रास्ते में हम मार दिए जाए, मेरा परिवार ही सुरक्षित न रहे उसमें। आज मैं कह सकता हूं कि एक कानून का शासन, ये बहुत दिनों के बाद इस राज्य के अंदर कानून का शासन। अच्छा स्वतंत्र जी, प्रियंका गांधी की सक्रियता को भारतीय जनता पार्टी किस रूप में देखते, क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस प्रियंका की सक्रियता से रिवाइव हो सकती है, पुनर्जागृत हो सकती है? एक समय था कि वंशवाद की पार्टियों को महत्व था, एक बार कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि अब वंशवाद का नेतृत्व नहीं चलेगा, एक बार किसी न किसी गरीब परिवार में जन्म लेने वाली महिला को नेतृत्व देना पड़ेगा
और कांग्रेस में ऐसे महिला को ढूंढना चाहिए उनको जो नेतृत्व दे, तो एक अच्छा रहेगा, क्योंकि अब वंशवाद समाप्त हो रहा है। देखिए कभी ऐसा कोई सोचे कि मैं बहुत लोकप्रिय हूं, मेरा बेटा भी वैसे लोकप्रिय रहेगा, नहीं हो सकता है। तो ये ईश्वर का, ईश्वर भेजता है और ईश्वर चयन करता है, इसलिए जो वंशवाद ये देखिए राजा महाराजाओं की पार्टी ने ट्रस्ट नहीं है, ये लोकतंत्र है। और इसलिए बूथ का कार्यकर्ता भी सोचता है कि कभी हम भी प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे अपना एक गौरवशाली इतिहास है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के बारे में विचार किया, अपने परिवार के बारे में विचार नहीं किया और ब्राह्मण कुल के बारे में विचार नहीं किया, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, दलित शोषित वंचित को सम्मान मिले और घर मिले। और उसी पार्टी का नेता आदरणीय मोदी जी जब दिव्य और भव्य कुंभ में उतरते हैं तो स्वच्छता कर्मी का पैर धोकर उसको सम्मान दिलाते हैं देश का प्रधान से, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को यानी सब सुविधा, पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, सौभाग्य योजना, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड, उसको सब देते। अच्छा स्वतंत्र देव जी, स्वतंत्र देव जी, एक सवाल और जेहन में आ गया अचानक से, राज ओम प्रकाश राजभर आपके यहाँ सुबह सुबह आए थे, एक बार जलेबी खाए, कचौड़ी खाए और ऐसा लगा कि शायद भाजपा से बात बन जाएगी, वो फिर उधर चले गए सपा के साथ। राजनीतिक दल में मिलना जुलना अपने जगह है, लेकिन आप अपने विचारधारा के लिए मरना जीना चाहिए, विचारधारा होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई विचार नहीं है आज, कोई ये लोगों का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई विचार नहीं है। विचार रहेगा तो संविधान का शासन होगा और कानून का शासन होगा। ये लोगों के आने के बाद सब व्यवस्था ध्वस्त हो जाता है, स्वयं इनके व्यक्तिगत एजेंडे पर चलता है, इसलिए राज्य चौपट हो जाएगा, प्रदेश चौपट हो जाएगा। राजभर से कुछ बातचीत हुई थी क्या फिर? ये लोगों से संबंध रखना भी गलत है। संबंध मतलब जब भारतीय जनता पार्टी में आने से ही एक कद बढ़ता है, और भारतीय जनता पार्टी आने से क्या है, आज सपा का आप शासन देख रहे हैं, सपा का भी एक कार्यकर्ता भी नहीं सोचता है कि मैं कभी जीवन में हम क्या नेता बन सकता हूं क्या। अखिलेश जी के परिवार का, उनकी पत्नी फिर बेटा, मतलब परंपरा चल रही एक ट्रस्ट टाइप का, तो क्या है पार्टी को ट्रस्ट नहीं बना सकते आप। पार्टी में एक लोकतंत्र होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए और एक तरह का बातचीत होना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी में कह सकता हूं कि कार्यकर्ता आधारित दल है और कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है, और एक बूथ अध्यक्ष भी कल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, ऐसा एक दल है और एक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी। अच्छा आप समाज सपा बसपा इन दोनों में बड़ी मतलब आप क्या मानते, भाजपा का निकटवर्ती मुकाबला किससे होगा, बड़ी चुनौती इन दोनों में से कौन है? दो बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ का पॉलिटिकल स्थिति अभी तक रही है जी, बसपा अपने देखिए क्या रहा कि पिछला जो चुनाव हुआ तो सपा बसपा को निपटाने के, एक बार सपा को निपटाए तो बसपा आ गई, एक बार बसपा निपटाए तो सपा आ गई, अपने लोकप्रियता के आधार पर नहीं जीते। लेकिन बसपा का एक अपना वोट बैंक है, उसका जनाधार है, उसको आप माइनस नहीं कर सकते। सपा का भी अपना एक वोट बैंक है, जनाधार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सभी समाज के वर्गों में, ये लोग एक कास्ट में है, समाज के सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी मजबूत हुई, यानी समाज के सभी वर्गों का, सभी वर्गों सर्वस्पर्शी कहा जाए, सर्वव्यापी और एक तरह का हमारा संगठन है और समाज के सभी वर्गों में मैं पहुंचा हूं और इसी कारण मजबूत है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर योगी जी का नेतृत्व और आदरणीय संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी ने, आप देखे होंगे कि कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोग वर्चुअल से जुड़े और सेवा में लगे रहे, कोरोना में भी कार्यकर्ताओं ने करोड़ों मतलब भोजन बांटा, वितरण किया। इसलिए देखिए राजनीतिक दल रचनात्मक काम से भी जुड़ा रहे और एक तरह में संगठनात्मक भी और सामाजिक भी एक रहना चाहिए, इसी से लोगों का निर्माण होता है। स्वतंत्र भाई, एक ईमानदारी के रूप, अयोध्या की भूमि का चुनाव में कितनी देख रहे हैं आप? देखिए आज मेरे को बताइए आदरणीय जी, मोदी जी ना होते तो मंदिर का निर्माण होता? आज मोदी जी के कारण ही मंदिर का निर्माण हुआ, आदरणीय मोदी जी के कारण 370 धारा, और आज आदरणीय मोदी जी के कारण आप देखते रहे होंगे लोग अमेरिका और विदेश में जाते थे तो कांग्रेस के शासन में पैंट उतरवा दिए जाते थे, आज कम से कम जो पहुंचता है कहता है मोदी के देश से आए हो, यानी हिंदुस्तान से आए, उसका सम्मान बढ़ता है। तो लीडर कैसा हो, लीडर का नेतृत्व कैसा हो,
उसका व्यक्तित्व कैसा, व्यक्तित्व कैसा। तो आदरणीय मोदी जी एक चाय बेचने वाले और चाय बेचने वाले देश का प्रधानमंत्री बना, तो आज देश का सम्मान बढ़ा है और गरीब का सम्मान बढ़ा है। इसलिए लोगों को, सभी राजनीतिक दल को सोचना चाहिए कि गरीबों की सेवा करना और राष्ट्र की सेवा करना, और राष्ट्र पर संकट आवे तो सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़ा होना चाहिए मोदी के नेतृत्व में। यही निवेदन के साथ आपको मैं प्रणाम करता हूं। जी एक सवाल और स्वतंत्र भाई, एक सवाल और, वो मेरे मन का सवाल है, ये तो राजनीतिक सवाल हो गए। मुझसे बहुत वर्गों के लोग जुड़े रहते हैं, अपनी अपनी पीड़ा कहते हैं, तो आज आप मिले हो तो एक प्रश्न पूछ लेता हूं उस एक वर्ग का। शिक्षा मित्रों का मसला बहुत समय से है, कोर्ट की भूमिका अपनी है, सुप्रीम कोर्ट की रही है, लेकिन वो भी 172,000 परिवार हैं। अभी अभी अभी, अभी चर्चा हुई है, कारुणिक की स्थिति है, चर्चा हुई है, अभी बीच में विषय आया था, चर्चा हुई, इनकी समस्या का समाधान होगा। मतलब इनका या तो मानदेय तो कम से कम बढ़ना चाहिए। आपसे 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 व्यक्तिगत भी बात कर लूंगा, इनकी समस्या का समाधान 100% होगा। जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।